हेलो ऑल, शेफ दीपाली हियर। वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियोज चैनल। एंड आज हम करने वाले 3 इंग्रेडिएंट मैंगो मूस। बहुत ही सिंपल और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला आज का हमारा ये रेसिपी है। मैंगो सीजन चल रहा है एंड ये मूस आप आपके केक के लिए एज अ डेजर्ट या फिर आइसक्रीम के साथ जैसे चाहो वैसे खा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है व्हिप्ड क्रीम एंड इसे हम अच्छे से व्हिप्ड करके लेंगे। यहाँ पे हमारा जो व्हिप्ड क्रीम है वो परफेक्टली व्हिप्ड हो चुका है। मैं बोल अगर उल्टा कर रही हूँ तो एक नीचे नहीं गिर रहा है, इट मीन्स ये क्रीम जो है ये प्रॉपर व्हिप्ड हो चुका है। सो ये रखेंगे बाजू में। एंड मैंगो मूस के लिए हमारे पास है यहाँ पे अल्फांसो मैंगोस हाफूस, तो इसे हम प्रॉपर पेस्ट करके लेंगे इसकी। सो अब हम इस प्यूरी को व्हिप्ड क्रीम के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। एंड इन तीनों इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करके लेंगे। बहुत ही सिंपल ऐसा ये डेजर्ट है, ईजी। जब भी आपको इंस्टेंट कुछ डेजर्ट बनाना है और मैंगो का सीजन है तो ये रेसिपी आप कभी भी और बहुत कम टाइम में बना सकते हो। अच्छे से मिक्स करके लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। एंड बहुत ही परफेक्ट कलर आया है मैंगो का एंड इसे हम फील करेंगे इन अ पाइपिंग बैग। हमें स्पून से बिल्कुल भी फिलिंग नहीं करनी है बिकॉज हमें प्रॉपर ग्लास को फिल करना है। एंड इस तरीके से हम इस मिक्सचर को फील करेंगे, टैप भी करेंगे। थोड़ा सा हम प्लेन व्हिप्ड क्रीम यहाँ पे पोर करेंगे ऑन द सेंटर। एंड उसी के ऊपर हम कुछ मैंगो के चॉप पीसेस को कट करके रखेंगे। सो आज का हमारा ये मैंगो मूस जार जो है वो रेडी है ग्लास में सर्व करके। आपको अगर इसे ट्राई करना है तो पूरा 1-1.5 घंटा फ्रिज में रखो, उसके बाद ही इस रेसिपी को एंजॉय करो। सो आई होप आपको आज की हमारी ये रेसिपी मैंगो मूस जार अच्छी लगी रहेगी। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप कब बनाने वाले और आपने बनाया तो कैसे बनाया। एंड हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।